अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास टू यूनिट नंबर टू कंप्यूटर बेसिक्स ये लेक्चर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। कैसे हैं स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताएं कैसे हैं आप। आई होप सो यू आर फाइन एंड सेफ एट होम, ठीक है। आज हम इसकी थोड़ी सी बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं कि कंप्यूटर है क्या। ये तो सबको ही पता है कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये वर्क किस तरह करता है, इसके क्या सिस्टम है, किस तरह हम इससे वर्क ले सकते हैं। कंप्यूटर कम्बिनेशन है, एक ऐसा सिस्टम है, कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन है। इस पर जो भी जितना भी हम लोग वर्क करते हैं थ्रू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, किस तरह इसके डिफरेंट आगे पार्ट्स बताए हुए हैं कि किस तरह कंप्यूटर के टूल्स हैं, किस तरह ये वर्क करता है। इनपुट टेक इनपुट, स्टोर डाटा, प्रोसेसिंग डाटा, आउटपुट इन्फॉर्मेशन, कंट्रोल्स वर्क फ्लो, किस तरह इसके यूनिट वर्क करते हैं। लाइक ये इन्होंने पेज नंबर 18 पे एक पिक्चर भी दी हुई है। सेंटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, देन उनको बताया गया है कि किस तरह ये इनपुट डेवलप करता है, इनपुट देता है CPU को, CPU आगे से आउटपुट गेन कर देता है, ठीक है। सबसे पहले उसमें क्या होता है, किस तरह देता है इनपुट, जब इसमें डाला जाता है CPU में, लाइक हम कोई भी डाटा इसमें डालते हैं, फीड करते हैं, इसकी मेमोरी में फीड करते हैं, ठीक है। फिर वो क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सिस्टम उसको फीड करके दोबारा वो आउटपुट में शो कर देता है, हमें आउटपुट में गिवन कर देता है, ठीक है। ये इसकी बेसिक्स के बारे में हम लोग आज लोग जानेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। कंप्यूटर के आप देखें इसमें इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट में कितने यूनिट हैं। ये आपने कंप्यूटर तो सब बच्चों ने देखा होगा कि कंप्यूटर कैसा होता है। एक उसमें कीबोर्ड होता है, सिस्टम होता है, माउस होता है, स्कैनिंग होती है, प्रिंटिंग होती है, ईच एंड एवरीथिंग, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। और अक्सर आप लोग घर पे कार्टून्स देखते हुए, आप लोग मूवीज देखते हुए, इवन कि अपनी स्टडी करते हुए भी आप लोग इसको फॉलो करते हैं। हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको क्वेश्चन आंसर्स करवा देती हूँ, साथ साथ हम इसको पढ़ते भी जाएंगे, डिफाइन भी मैं करती जाऊँगी। राइट द आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं पेज नंबर 22 पे, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है, उसके क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। डिफाइन डाटा, डाटा क्या है, डिफाइन डाटा, व्हाट इज डाटा, कि डाटा होता क्या है। द कैलकुलेशन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। जितने भी रॉ फैक्ट्स हैं हमारे, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन जितनी भी होती है फिगर्स की, उसको हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आए, व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम है क्या। अभी स्टार्ट में भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया है कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आपस में कंबाइन होते हैं, इसका कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है, ठीक है। CPU भी आपने देखा है, ठीक है, डिस्प्ले भी देखा है, इस पर वर्क किस तरह होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के जरिए होता है ना। CPU का जितना भी वो जो कंप्यूटर सिस्टम है, जिसको हम CPU भी कहते हैं, वो जितना भी वर्क किस तरह होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन जो होता है उसके थ्रू होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आए, लिस्ट 5 बेसिक फंक्शन ऑफ ऑल द कंप्यूटर। हमने बेसिक फंक्शन बताने हैं कंप्यूटर के 5, किसी भी किस्म के 5 बेसिक बताने हैं। टेक इनपुट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं, उसके बाद स्टोर डाटा, जितनी भी हम इनपुट आप लोग फीड करते हैं तो वो उसको क्या करता है, स्टोर डाटा, फिर वो उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग, देन आउटपुट इंफॉर्मेशन। इनपुट जब डालते हैं, डाटा स्टोर हो गया, उसके बाद वो प्रोसेस भी हो गया, उसके बाद उसने उसको क्या कर दिया, आउटपुट दे दिया हमें एक इंफॉर्मेशन की सूरत में, इंफॉर्मेशन। और एंड ऑफ द टाइम क्या होता है, कंट्रोल्स वर्क फ्लो, ठीक है। कंप्यूटर का एक बेसिक पार्ट क्या है, कंट्रोल वर्क फ्लो। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट 4 क्लासिफाइड यूनिट्स ऑफ हार्डवेयर। हमने 4 किस्म के यूनिट्स बताने हैं हार्डवेयर के, ठीक है। लिस्ट 4 क्लासिफाइड यूनिट्स ऑफ हार्डवेयर। फर्स्ट क्या है हमारा, इनपुट यूनिट, सेकेंड आउटपुट यूनिट, थर्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU जिसे कॉल करते हैं, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फोर्थ मेमोरी यूनिट, ठीक है। 4 क्लासिफाइड यूनिट्स के जस्ट नेम हमने बताने हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आए, डिफाइन इनपुट यूनिट्स विद एग्जांपल। इनपुट यूनिट को डिफाइन करें एग्जांपल्स के साथ। इनपुट डिवाइस क्या होती है? ठीक है, इनपुट डिवाइस अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर्स एंड द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस जो है कम्युनिकेट करती है एक यूज़र को कंप्यूटर के साथ। जब हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो हमें क्या करती है, इनपुट डिवाइस, जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं वो हमें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करती है। और उनकी एग्जांपल कौन सी है, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है, उसमें आप कीबोर्ड ले लें कि जब हम कीबोर्ड पर वर्क करते हैं, कुछ भी फीड करते हैं, लाइक ABC, कुछ भी अल्फ़ाबेट्स आप लिख रहे हो, कोई सेंटेंस लिख रहे हो, उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, कीबोर्ड। ठीक है, और किसी भी किस्म की क्लिकिंग के लिए आप लोग क्या यूज़ करते हो, माउस। फिर क्या होता है, स्कैनर। इन सब चीज़ों के लिए आप क्या करते हो, जब आपका कोई भी वर्क है उसको स्कैन करना हो तो क्या यूज़ करते हो, स्कैनर। ये इनपुट डिवाइस की 3 एग्जांपल्स हैं। ठीक है, क्या हो गया था, कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर आर सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेज।